friends, welcome back to Update Yourself. Here I am Madhu and today we are going to talk about what is the difference between non-banking financial companies and banks and what is NBFCs and banks. So first of all, we should know about the difference, main basic difference between NBFC and bank. Non-banking financial company or banks mein kya different hai? Sabse pehle hum inke functions ke baare mein dekh lete hain. सबसे पहला जो मेन बेसिक सिमिलरिटी है वो है लोन एंड एडवांसेज की. जैसा कि लोन बैंक्स देती है, एडवांसेज बैंक्स देती है, वो सारी फैसिलिटी आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में भी मिलेगी. जैसे कि दूसरा है कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट में जैसे बैंक्स होती हैं वो इन्वेस्ट कर देती हैं, वैसे ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी कैपिटल मार्केट में बिजनेस करती हैं. एंड थर्ड है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट. तो फिक्स डिपॉजिट जैसे कि बैंक्स लेती है, वैसे ही फिक्स डिपॉजिट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी लेती है. अब यहाँ पर जो इनके बेसिक डिफरेंस है वो है डिमांड डिपॉजिट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एंड DICGC. तो ये क्या है, इसमें सबसे पहला है डिमांड डिपॉजिट. तो डिमांड डिपॉजिट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, जबकि बैंक एक्सेप्ट करती है. डिमांड डिपॉजिट मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है. डिमांड डिपॉजिट का मींस होता है ऐसे डिपॉजिट अपने पब्लिक से लेना या अपने पब्लिक कस्टमर से लेना, जिनको हम वापस जब वो चाहे, जब उनका मन हो तो वो उसे विथड्रॉ कर सकते हैं. तो ऐसा बैंक्स तो कर सकती है, क्योंकि बैंक्स में हम जब सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होता है उसमें हम जब डिपॉजिट करते हैं फिर उसे कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं. बट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ये फैसिलिटी नहीं है. वो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट लेती है कि एक बार जितना भी डिपॉजिट हो गया उसके बाद कुछ साल बाद वो एक साथ उसको वापस कर देगी, बट ऐसे नहीं करती जैसे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट होता है. एंड सेकेंड है पेमेंट एंड सेटलमेंट. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पेमेंट एंड सेटलमेंट का पार्ट नहीं है, जबकि बैंक्स है. पेमेंट एंड सेटलमेंट का पार्ट नहीं होने के कारण ही NBFC चेक इशूज नहीं कर सकती, जबकि बैंक चेक इशू कर सकती है. डिमांड ड्राफ्ट इशू नहीं कर सकती, जबकि बैंक डिमांड ड्राफ्ट इशू करती है. एंड इसके अलावा ये आपको RTGS, NEFT, IMPS जैसी ऑनलाइन फैसिलिटीज NBFC आपको नहीं देती, जबकि ऐसी ऑनलाइन फैसिलिटीज आपको बैंक से देती है. एंड थर्ड है DICGC. DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन. इसका मतलब होता है कि जब भी कोई कस्टमर बैंक में अपना डिपॉजिट करता है तो उसकी मिनिमम 1 लाख तक का वो इंश्योरेंस करता है. यानी अगर बैंक बैंक्रप्ट हो गई, बंद हो गई, तो एटलीस्ट 1 लाख रुपीज वो अपने कस्टमर को देगा. लेकिन NBFC में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है. मतलब NBFC में कोई भी डिपॉजिट की सिक्योरिटी या इंश्योरेंस नहीं होता. अब बात आती है इनके रजिस्ट्रेशन की. तो इनके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी बहुत अलग होती है. NBFC का रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी एक्ट 1956 के अंदर, जबकि बैंक का रजिस्ट्रेशन होता है बैंकिंग एक्ट 1934 के अंदर. तो ये थी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड बैंक्स के बीच डिफरेंट. एंड इसके अलावा सबसे बड़ा मेन बेसिक डिफरेंस ये है कि बैंक्स जो होती है वो RBI एक्ट 1934 में रजिस्टर्ड होती है, बैंकिंग की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है जैसा कि मैंने आपको भी बताया. बट NBFC कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड होती है और इसको सारी सर्विसेज नहीं दी जाती. मतलब ये बैंकिंग की सारी सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकती, अपने कस्टमर को नहीं दे सकती, इसीलिए इसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं. बट इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अपना दूसरा बिजनेस भी कर सकती है, बट बैंक्स नहीं कर सकती. बैंक्स सिर्फ बैंकिंग बिजनेस ही कर सकती है, दूसरा नहीं कर सकती है, बट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कर सकती है. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन NBFC एंड बैंक. एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.